गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हॉलीवुड एसएससी एग्जाम में। एसएससी का कैलेंडर आ गया है, ग्रुप डी के कैलेंडर भी आ गए हैं, ग्रुप डी का एग्जाम भी लग गया है, एनटीपीसी सीवी 2 का भी एग्जाम लग गया है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए अब एकदम एग्जाम का त्यौहार है और ठंड भी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भाई अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा मेंटेन रखिए, अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा मेंटेन रखिए और लगातार लगे रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का दिन मैं शुरू करता हूँ। तारीख है 18 दिसंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। कोशिश करूंगा कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक चीज और, कमेंट जरूर किया करें। आप क्या सोचते हैं, क्या आपका है, कैसा दिन रहा, कहां से हैं, कुछ भी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं वो कमेंट पर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, जवाब नहीं दे पाता हूं लेकिन हर एक कमेंट जरूर पढ़ता हूं। इसके अलावा रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप मुझसे बिल्कुल डायरेक्ट से जुड़ सकते हैं। राजस्थान में भयंकर ठंड है, ये तो हो ही रहा है भाई, सभी जगह ठंड हो गई है। इस ग्रुप से आप जरूर जुड़े ताकि आपकी जो भी मेरी रेगुलर पीडीएफ होती हैं या जो मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस में है, भूटान ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा सिमोना बाइल्स को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना। भारत महिलाओं की कानूनी शादी की उम्र बढ़ाने वाला है, कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। 18 साल की जगह अब 21 साल हो जाएगी महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र। सरकार ने दी फ्रांस के साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी। केंद्र ने उत्तराखंड में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा। सरकार ने एथेनॉल पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल। 7 बार के चैंपियंस लुइस हैमिल्टन को विंडसर कैसल में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को मिला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन। अब बारी है प्रीवियस डे रिवीजन की, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक वन लाइनर के फॉर्म में देख लेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। भारत में विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस हर साल मनाया जाता है 16 दिसंबर को। किस अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतरिक्षयान ने सूर्य को पहली बार छुआ है? तो नासा के पार्कर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को पहली बार टच किया। किस देश ने टेदर नाम की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दी है? तो वह है म्यांमार। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुई है, ये कहां की है? कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है माल्टा। माल्टा की राजधानी वलेट्टा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी है? तो भारत और पोलैंड के बीच में इस कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने की योजना कौन बना रहा है? वो है भारत। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जिसे मस्क डियर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, कस्तूरी मृग अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। सरकार ने किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई गुजरात के अहमदाबाद में। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। कल भी बताया था ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं है, जबकि उससे पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता था उसका पद है, तो अभी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाए गए हैं। कई जगह गलत खबरें प्रसारित हो रही हैं, उनसे सावधान रहिए। चीफ ऑफ स्टाफ मैंने देखा कई कल करेंट अफेयर्स वाले भी कई पढ़ा रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने बना दिए गए, नहीं भाई चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको ले चलता हूं पीएम मोदी के सम्मानों की तरफ। पीएम मोदी 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे, 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। इससे
अच्छा क्या हो सकता है याद करना कि पीएम मोदी जो है वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने 2014 में और तब से लगातार प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में उनको कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भाई उनको किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया या इस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो ये किस देश ने दिया। तो किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नग दग पेलगी खोरलो जिसे ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भी कहा जाता है। ड्रग का मतलब वहां पर आपका भूटान में किंग होता है। हाल फिलहाल मोदी जी को भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नग दग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है, उसी तरीके से भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है नग दग पेलगी खोरलो। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नग दग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है, जिसे आप ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भी कह सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे सोरिंग ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी के नाम की घोषणा की है। यह सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में जाना गया है। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो उन्हें अभी हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। लीजन ऑफ मेरिट ये यूएस गवर्नमेंट द्वारा यानी कि अमेरिकी सरकार द्वारा आर्म पर्सनल को यानी कि यूएसए के जो आर्म्ड पर्सनल होते हैं, आर्म पर्सनल मतलब जो भी सेना के अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज ये 2019 में उन्हें दिया गया था, ये रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ये यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें 2019 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ निशान अजुद्दीन, ऑर्डर ऑफ निशान अजुद्दीन जो है ये मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें 2019 में दिया गया था। हमाद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस ये आपका बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें 2019 में प्रदान किया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड ये आपका जो सम्मान है ये आपका पैलेस्टीन सरकार द्वारा दिया जाता है, जैसा कि नाम से पता है तो पैलेस्टीन सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था 2018 में। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद ये अवार्ड उन्हें दिया गया था सऊदी अरबिया द्वारा, ये सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी बाहरी मुल्क के लोगों को दिया जाता है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्ला खान अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अफगानिस्तान का सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान है, यह भी उन्हें 2018 में प्रदान किया गया था। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल रसिया, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई, ऑर्डर ऑफ निशान उजुद्दीन मालदीव, हमाद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस बहरीन, ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट पैलेस्टीन अवार्ड पैलेस्तीन, ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सौद सऊदी अरबिया और स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमनुल्ला खान अफगानिस्तान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी उन्हें प्राइज प्राप्त हुए हैं, जैसे सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किए गए, वो सियोल पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था मोदी जी को, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें। इसके अलावा फिलिप कोटलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया उन्हें, फिलिप कोटलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया प्रेसिडेंशियल अवार्ड द्वारा 2019 में उन्हें यह सम्मानित किया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के रूप में भी सम्मानित किए गए, बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किए गए 2019 में ही लीडरशिप अवार्ड द्वारा। और ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स अवार्ड मिला था, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड उनको दिया गया था। बात करें तो उन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ये अवार्ड उन्हें सबसे लेटेस्ट मिला है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड ये उन्हें आईएसए की वजह से मिला, लीडरशिप अवार्ड ये सेरा वीक द्वारा दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया था, सेरा वीक द्वारा, CERA सेरा वीक एक संस्था है उसके द्वारा ये दिया गया था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की जो पुस्तकें हैं वो भी काफी चर्चा में रहती हैं, जैसे एग्जाम वॉरियर जो है पिछले साल इस बुक ने धूम मचा दी थी, लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जिसमें ये पुस्तक ना पूछी गई हो। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, ज्योति पुंज जो है वो भी नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है,
नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है कन्वीनियंट एक्शन जर्नी ए जर्नी पोयम, इसके बाद सोशल हार्मनी, एडोब ऑफ लव या प्रेम तीर, सबका साथ सबका विकास, साक्षी भाव, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, मन की बात। ये उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि भाई ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो बाइडन से ज्यादा अवार्ड मिल गया है इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये काफी राज्यों में घूम घूम के गए भी, स्टेट में भी काफी गए, मतलब जब आपने देखा होगा 2014 में जब ये आए हैं तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री का कोर्स करने हर देश में जाते थे। मतलब आप देखोगे 2014 से लेकर 2016 तक बंदा देश में रहा ही नहीं है, कभी फलस्तीन, कभी इजराइल, कभी अरब कंट्री, कभी कहीं ना कहीं घूमते रहे। ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, अवार्ड जरूर याद रखिएगा, सियोल पीस प्राइज, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, फिलिप कोटलर ग्लोबल गोलकीपर और ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, ये सारे अवार्ड आप अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम वॉरियर भी हैं, ठीक है। दीपक शर्मा कह रहे हैं सर आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, बेटा इतना कमा लेते हैं कि खा लेते हैं, है ना। बाकी अंबानी बनने की इच्छा तो हमारी है नहीं। भूटान के बारे में बात करें, देखिए पढ़ाई में दिमाग लगाएंगे जो आपका मन है, जहां पर आपको जाना चाहिए आप उसी जगह पहुंचेंगे। अगर आप चार जगह दिमाग लगाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। मेरी बात आपको बुरी जरूर लगेगी लेकिन सच्चाई यही है। हमें शुरू शुरू में क्या लगता है, जब हम आपकी उम्र में होते हैं तो लगता है बड़ी जल्दी कमाना हम शुरू कर दें। थ्री इडियट फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है, आप काबिलियत के पीछे भागिए, आप अपने आप को काबिल बनाइए, लोग आप पैसा ले लेके आपके पीछे भागेंगे, आपको पैसा कमाना कहीं जाने नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप काबिलियत नहीं भाग रहे, आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आप पैसा कमा लें। बिना काबिलियत के आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले काबिल बनिए। काबिल बनने का मतलब यह किसी न किसी हुनर को अपने हाथ में ले लीजिए। आप पैसा आपके पास चलकर आएगा, लोग आपको पैसा देंगे कि भाई मेरे से पैसा ले ले मेरा काम कर दे, है ना, ऐसा ही होता है। चलो भूटान की बात करते हैं तो नेशनल एनिमल जो है वो है टकिन, नेशनल बर्ड जो है ये रेवन है, कौए जैसा होता है बट ये काला होता है, हमारा कौआ जो होता है ग्रे कलर का होता है ना, यहाँ काला होता है पूरा। नेशनल फ्लावर की बात करें हिमालयन ब्लू पॉपी, भूटानी साइप्रस जो है अलग तरह का पेड़ होता है तो ये नेशनल ट्री है। फेमस फेस्टिवल की बात करें तो पारो सेचू, थिम्पू सेचू एंड माउंटेन इकोज, ये प्रमुख फेस्टिवल है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोटे शेरिंग, प्रेसिडेंट जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं राजा होते हैं यहाँ पर। संसद का नाम सोगड़ू है, कई एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, संसद का नाम जरूर याद रखें। काटने का नहीं है, काटा नहीं है, मैंने स्टार बनाए हैं इस पर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल 25। लैंग्वेज बड़ी ही अजीब है, झोंका झोंका लैंग्वेज बोली जाती है। नंबर ऑफ प्रोविंस जो मिलेंगे आपको 9 मिलेंगे। यहां पर मुद्रा जो चलती है वो थी नगलट्रुम। सबसे ऊंची चोटी जो है वो गंगाघर पेंसुम है, लॉन्गेर रिवर मानस नदी है और तीरंदाजी जो है वो यहाँ का नेशनल गेम है। अगर हम बात करें भूटान जो है ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इन चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसकी राजधानी जो है वो है थिम्पू। भूटान ही दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने GHI यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को मान्यता दी थी। इसने कहा GDP EDP सब बकवास चीज है, आप चाहे जितना कमा लें अगर आप खुश नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। तो इसका मतलब ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को मान्यता देने वाला और इसको बाद में काफी देशों ने अपनाया भी। तो ये है भूटान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यूपी में रखा जाएगा और इसकी नींव आज रखी जा रही है। यूपी में चुनाव है, उसको देखते हुए शहीदों की भूमि से रुहेलखंड और अवध को साधने की कोशिश है बीजेपी की सरकार की। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये दिल्ली बॉर्डर से बलिया तक बनाया जाएगा जो 1020 किलोमीटर का लंबा होगा। इसके पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर डांडू गांव तक जाएगा। इसको पीएम मोदी आज आधारशिला रखेंगे और इसे 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दो बातें याद रखिएगा कि ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है इसका लंबाई कितना है, गंगा एक्सप्रेसवे का लंबाई कितना है, 1020 किलोमीटर। पहले चरण में कितना बनेगा, 594 किलोमीटर। कहां से कहां तक बनेगा, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। इसका उद्घाटन कहां से हो रहा है, इसका उद्घाटन हो रहा है शाहजहांपुर से। इसका उद्घाटन कहां से हो रहा है, इसका उद्घाटन हो रहा है शाहजहांपुर से। अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, याद होगा आपको, अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। आप बता सकते हैं ये कहां से हुआ था,
ये हुआ था सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से इसका उद्घाटन हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसका उद्घाटन कहां से हुआ है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से इसका उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में नेशनल हाईवे पर यानी एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। जब इस बार टोक्यो ओलंपिक हुए तो टोक्यो ओलंपिक होने से पहले ही कुछ लोगों का पता चल जाता है ना कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे, ये सिल्वर मेडल जीतेंगे और ये इतना कैटेगरी है, इनका तो कोई ना कोई मेडल पक्का है। ऐसे ही अमेरिका अफ्रीका में जन्मी और अमेरिका में पली बड़ी और अमेरिकन एथलीट सिमोना बाइल्स का नाम सभी के जुबान पर था कि वो टोक्यो ओलंपिक में निश्चित तौर पर चारों प्रतियोगिताओं जो एथलीट की होती हैं उसमें स्वर्ण पदक जीतेंगी। लेकिन पूरी दुनिया चौंक गई थी जब सिमोना बाइल्स ने एन फाइनल से पहले चारों प्रतियोगिताओं से पहले अपना नाम वापस ले लिया था। और अब वो एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि सर उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया और ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में फाइनल से जस्ट पहले अपना नाम वापस ले लिया था। थोड़ा सा न्यूज पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। राइट आंसर है इसका सिमोना बाइल्स। सिमोना बाइल्स को टाइम पत्रिका 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। टाइम पत्रिका ने अभी हाल ही में एक दिन पहले एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया था। सिमोना बाइल्स मात्र 24 वर्षीय खिलाड़ी हैं और इस समय एथलीट की दुनिया में नंबर एक खिलाड़ी हैं। सिमोना बाइल्स को टाइम पत्रिका की 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता और दुनिया की सबसे अधिक अवार्डेड जिमनास्ट को अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले रखने के लिए सम्मानित किया गया है क्योंकि वो टोक्यो ओलंपिक में 4 इवेंट फाइनल पहले ही हट गई थी। इस झटके के बावजूद 24 वर्षीय टोक्यो खेलों में बैलेंस बीम की एक टीम को रजत और कांस्य पदक जिताने में भी वो सफल रही थी। वो इंडिविजुअल कैटेगरी से हट गई थी लेकिन फिर भी टीम इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और टीम को एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने दिलाया था। थोड़ा सा मुझे भी पता जब मैंने ये न्यूज सुनी थी मुझे भी लगा ऐसा क्या हो गया, सिमोना बाइल्स ने भाई नाम वापस क्यों ले लिया। कोई भी इतना बड़ा एथलीट होगा, जिमनास्ट होगा, अचानक से अपना नाम वापस लेगा तो सब खड़बड़ा ही जाएंगे। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पता चला तो यहां पर एक आर्टिकल मेरे हाथ लगा कि सिमोना बाइल्स जो है उन्होंने आई शुड हैव टू क्विट वे बिफोर टोक्यो। एक्चुअल में हुआ ये कि पिछले साल जहां से अब मुझे यूएसए ऐसे देश में ऐसी घटना हुई, हुआ ये कि ये जो ब्रेक था ये किसी चोट की वजह से नहीं था, इट वॉज समथिंग इन हर स्पिरिट। वो उसकी आत्मा पर एक चोट थी जिसको किसी CAT स्कैन या एक्सरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता था। एक्चुअल में हुआ था कि बाइल्स ने 2018 में रिवील किया था कि उनके साथ एक सेक्सुअली अब्यूज किया गया था उनके फॉर्मर यूएसए जिम्नास्टिक डॉक्टर द्वारा, जिसकी वजह से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। और जब वो टोक्यो ओलंपिक में फाइनल में पार्टिसिपेट करने जा रही थी तो सिमोना बाइल्स को जाना जाता है कि वो हवा में ही अपना बैलेंस बना लेती हैं। उन्होंने देखा कि वो अपने सर का मूवमेंट नहीं संभाल पा रही हैं, उनकी आत्मा में कहीं ना कहीं चोट है। क्यों? क्योंकि जिस संस्था के लिए उन्होंने इतने सारे मेडल जुटाए, जिस देश का नाम उन्होंने इतना रोशन किया, उस देश ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि शायद वो एक ब्लैक वुमेन थी। ऐसी बात वहां पर सुनने में आई और ये जो चोट उनके साथ पहुंची, उनके जीवन में जो चोट पहुंची, उनका कहना था कि मैं स्ट्रेचर पर, मतलब अगर मैं इसमें जिमनास्ट करती रहती और जबरदस्ती पदक के पीछे भागती तो शायद मैं कहीं चोट खा सकती थी और इस चोट की वजह से मैं घर अपने स्टेज पर या बैसाखी के सहारे नहीं जाना चाहती। एक बार सिमोना बाइल्स वापस खड़ी हुई हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने रुतबे के आगे वापस एक जर्नी को शुरू किया है और वापस वो अपने मैदान पर लौट आई हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को फिर से उन्होंने सुदृढ़ किया है और जिस तरीके से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है इस वजह से टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के रूप से नामित सॉरी एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। इसके अलावा हर साल वर्ल्ड एथलेटिक जो है वो भी आपका एथलीट ऑफ द ईयर घोषित करता है। एक हफ्ते पहले एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे, तस्वीरें आपके सामने हैं। नॉर्वे की कार्सन वारहोम को यहां पर मेंस एथलीट ऑफ द ईयर, जबकि जमैका की एलेन थॉम्सन हेरा को यहां पर वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया था। ये अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा दिए गए थे। वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, पहली बार वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड खेल में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया। किसको दिया गया? अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया। तो सिमोना बाइल्स की कहानी आपने सुनी होगी, सुन ली जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बहुत सारी जगह पर इसका विरोध हो रहा है, कई सारे लोगों के मन में लड्डू भी फूट रहे होंगे
कई सारे लोगों के मन में परेशानियां भी होंगी। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक मजाक के तौर पर बात बताऊंगी, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, और 18 साल एक ऐसी उम्र होती है कि लड़की के घर वाले कहते हैं बेटा इसकी शादी कर दो। ऐसे में अब उन किशोरों को शायद 3 साल उम्र और मिल जाएगी। ये तो थी मजाक की बात, जो के पार्ट, लेकिन यहां पर 18 से 21 साल करने की वजह रही है। पिछले साल 15 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं का स्वास्थ्य भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, महिलाओं में और शिशु मृत्यु दर जो है उसके ऊपर हमें लगाम कसनी होगी। ऐसी स्थिति में ये बात जब कैबिनेट में गई होगी तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने आई उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी, एक टास्क फोर्स का गठन किया। ध्यान रखिएगा, जया जेटली जी की अध्यक्षता में उन्होंने एक, मैं नाम लिख देता हूं, नहीं आप भूल जाएंगे कि किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। जया जेटली जी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। अब जया जेटली जी की जब इस कमेटी का गठन किया गया तो उन्होंने कहा कि 18 से 21 वर्ष आप आयु कर दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो लड़कियां आज भी हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में बोझ मानी जाती हैं दहेज की वजह से, कि लड़कियां हैं जल्दी शादी कर दो, सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से भी कि भाई इतने समय तक 18 से, जैसे मतलब 18 साल से लेकर 22 साल की लड़की अगर आपके घर में हो गई है तो जमाने वाले दुनिया भर की चीजें बताने लगते हैं कि भाई ये लड़की ऐसा कर दो वो कर दो, तो ऐसे में उनकी शिक्षा के अवसर जो है वो कम हो जाते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि उनके घर वाले कह रहे होंगे शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, क्योंकि अब 18 की हो गई हो, अब 19 की हो गई हो, अब 20 की हो गई, फलाने फलाने। अब जब 21 वर्ष ही उम्र हो जाएगी तब ये थोड़ा सा फायदा पहुंचाएगा। अब यहां पर एक पेच ये है कि मान लीजिए अगर 18 साल की कोई लड़की हो गई है और 21 साल का कोई लड़का हो चुका है, वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, आपस में साथ में रहना चाहते हैं, तो क्या उन्हें कानूनन मान्यता मिलेगी? इस बारे में अभी भी संदेह है, लेकिन एक्चुअल में होगा ये कि जैसा अभी क्या होता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का अगर शादी होता है तो उसे बाल विवाह माना जाता है, और अगर लड़का भी 18 साल से कम है तो उसे बाल विवाह को शून्य माना जाता है, मतलब उसे बाल विवाह भी नहीं माना जाता, उसे किसी तरह की कोई मान्यता नहीं दी जाती। तो फिलहाल 18 से 21 साल कर दी गई है उम्र, कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है, कानून बनने में भी संसद में जाएगा, वहां पे कानून बनेगा तो उसके बाद पता चलेगा। अब यहां पे बात ये होती है कि भाई इसमें हुआ क्या, पहली बार ऐसा कब हुआ था, 1978 में शारदा अधिनियम के तहत महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। तब पहले महिलाओं की शादी की उम्र 15 वर्ष हुआ करती थी, महिलाओं की शादी की उम्र अब 18 से 21 वर्ष हो जाएगी। इस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, 2020 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर ऐलान किया था। मेन बात यह, महिलाओं के स्वास्थ्य के बेहतर बनाने और कुपोषण से बचने के लिए इसका ऐलान किया गया है, मेन तो यही है। और महिलाओं के लिए ऊंची शिक्षा हासिल करने और कैरियर बनाने के अवसर बढ़ाए जाएंगे। कम उम्र में शादी से मातृ मृत्यु दर के बढ़ने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। और टास्क फोर्स ने 16 यूनिवर्सिटीज, हजारों युवाओं, कई शहरों से जब फीडबैक लिया तो उन्हें ये बात वाकई में नजर आया कि महिलाओं की जो शादी है 18 वर्ष से कम उम्र में या 18 वर्ष की उम्र में कर देना अब उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत में रोजगार के अवसर आगे बढ़ रहे हैं, भारत में शिक्षा के स्तर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए किन एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो बदलाव करना होगा हिंदू मैरिज एक्ट में, जो 1955 के सेक्शन 5(3) में है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, बाल विवाह निषेध एक्ट में बदलाव करना होगा 2006 में, और इन तीनों से ही सहमति से महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से पुरुषों के लिए 21 वर्ष तक होने का जिक्र है, जहां पर इन तीनों में बदलाव किया जाएगा। अब यहां पर सबसे पहली बात तो सरकार का यहां पर मेन जो मोटिव है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रखा जाए, उन्हें कुपोषण से बचाया जाए। इसके अलावा साथ ही सरकार शादी की उम्र को बढ़ाकर महिलाओं की कम उम्र में मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को भी रोकना चाहती है। 1978 में शारदा एक्ट के तहत, शारदा एक्ट 1929 में आया था लेकिन 1978 में इसमें एक बदलाव किया गया था जिसमें महिलाओं की उम्र 15 वर्ष से लेकर 21 वर्ष कर दी गई थी। उन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के हालिया प्रस्ताव की वजह बताते हुए कहा था कि जब भारत तरक्की कर रहा है तो महिलाओं के लिए ऊंची शिक्षा हासिल करने और कैरियर बनाने के अवसर भी होने चाहिए। अब यहां पर कुछ पेच ऐसे फंसते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें बाल विवाह के बारे में, तो बाल विवाह का जो है, बाल विवाह क्या आता है, मतलब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब क्या हो सकता है। अभी क्या होता है कि कोई 18 वर्ष से कम का दोनों है, मतलब लड़का और लड़की दोनों है, तो जो लोग उसका बाल विवाह करा देते हैं वहां पर उनको 2 साल की कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना रहता है, ये तो जुर्माना रहता है, और इस विवाह को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। लेकिन अगर लड़की 18 वर्ष की नहीं है, लड़का 21 वर्ष से ऊपर का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस बाल विवाह को शून्य नहीं माना जाता, इसे बाल विवाह माना जाता है,
इसे क्या माना जाता है? लड़की 18 वर्ष की नहीं है, लड़की 18 वर्ष से कम की है तो इसे बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह मानने का मतलब यह है कि अगर 18 वर्ष के बाद लड़की कहती है कि नहीं ठीक है हमारी शादी ठीक है, हम इसी में हम इन्हीं के साथ रहेंगे, यही हमारे पति परमेश्वर हैं, तो उसको फिर बाद में विवाह योग्य मान्यता दे दी जाती है। दूसरी बात, बाल विवाह के दौरान जन्मे बच्चों को धर्मज माना जाता है, यानी कि उन्हें किसी की भी संतान नहीं माना जाता। ऐसे में उन बच्चों के भरण पोषण का जिम्मेदारी लड़के के माँ बाप, जो भी लड़के के माता पिता होते हैं, उनके ऊपर होती है, उनके ऊपर इसकी मान्यता होती है। अब मामला यह फंसता है कि सर अगर मान लीजिए 18 वर्ष की लड़की बालिग हो गई, 21 वर्ष का लड़का बालिग हो गया, अब दोनों एक साथ लिव इन में रहना चाहते हैं तो क्या कोर्ट इसमें परमिशन देता है? बिल्कुल, कोर्ट ने इसमें परमिशन दी है कि आप लिव इन में रह सकते हैं और आप बालिग हैं तो आप स्वेच्छा से जिसके साथ चाहें उसके साथ रह सकते हैं। रहने का मतलब आप खाइए पीजिए घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत वाली बात 18 वर्ष से ऊपर नहीं है। लेकिन क्या अब ये 21 वर्ष वाला जब कानून आ जाएगा तो इसमें घूमने फिरने पे भी कोई पाबंदी लगेगी या लिव इन पे भी कोई पाबंदी नहीं लगेगी? नहीं। अब ये क्या होगा कि मान लीजिए लड़की 18 वर्ष से ऊपर है और लड़का 21 वर्ष का है तो यहां पर बाल विवाह वाले कानून लागू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की अगर लड़की है और वो किसी लड़के से विवाह करती है तो वो जो शादी होगी वो बाल विवाह के अंतर्गत मानी जाएगी। मतलब अब उस शादी का रोल तभी 21 साल के बाद ही वैलिड होगा, मतलब शादी की मान्यता आपको 21 साल बाद ही मिलेगी। आप शादी किसी से भी कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको शादी का सर्टिफिकेट चाहिए, शादी की मान्यता आपको चाहिए, आपके निजी अधिकारों पर कोई आरोप प्रत्याक्षोप नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मम्मी पापा कह रहे हैं शादी कर लो तो 21 साल में करेंगे, अपना करना है तो कर लो, तो ये वाला मामला हो गया है थोड़ा सा। लेकिन शादी की मान्यता आपको तभी मिलेगी जब आप 21 साल के हो जाएंगे और लड़की की इच्छा पर ही डिपेंड करेगा। लड़की कहेगी कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ रहना है तो ही होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी की जानकारी कानून बनने के बाद मैं आपको दूंगा। दुनिया के और देशों में जो महिला और पुरुष की शादी की उम्र है वो कानूनन रूप से 18-18 है। अमेरिका में, ब्रिटेन में भी 18-18 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 18-18 है, बांग्लादेश में 18-21 है और ब्राजील में 18-18 है। अगर आप इजराइल चले जाएं तो एक साल की छूट आपको मिल जाएगी, 17-17 में आप निपट सकते हैं। चीन में 20 और 22 है और कनाडा में 18-18 है। तो इस तरह से दुनिया के सभी देशों के ये आंकड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कहां पर कितनी शादी की उम्र है। पाकिस्तान में तो लड़कियों की उम्र आज भी 16 साल है, जो विश्व के सभी देशों में सर्वाधिक, मतलब सबसे कम है। 16 और 18 साल में लड़के लड़कियां शादी कर सकते हैं। ठीक है, आ गया है समझ में? गुरुदेव रीजनिंग का एक और क्लास रो जी, हाँ सभी रिलीजन पे लागू होगा। ठीक है, ये पूरा मैंने वो बाल विवाह वाला जो आपको समझाया वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसे देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। सरकार ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग में 1650 मेगावाट के 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी? 1650 मेगावाट के जो परमाणु रिएक्टर है ये मुंबई के जैतपुरा में, महाराष्ट्र के जैतपुरा में स्थापित किए जाएंगे। इसके ऊपर योजना पे काफी दिन से काम चल रहा था। भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा काफी समय से चल रही है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं होमी जहांगीर बाबा, जिन्हें परमाणु बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल भारत और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 1650 मेगावाट के 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। कहां किए जाएंगे ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके किए जाएंगे महाराष्ट्र के जैतापुर में। कहां पे? जैतपुरा या जैतापुर, दोनों एक ही बात है। 9900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ इसे सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्थापन के परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल के रूप में बना देगा। वर्तमान में भारत में जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है परमाणु से वो 6780 मेगावाट है। भारत में कुल 8 विद्युत ग्रह जो है काम कर रहे हैं एनपीसीआईएल के अंतर्गत। एनपीसीआईएल ने कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। एनपीसीएल की स्थापना 1975 में की गई थी। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन का पद जो है वो खाली है। 6780 मेगावाट भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन का या कुल ऊर्जा क्षमता का केवल और केवल 1.8% है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता वर्तमान समय में 6780 मेगावाट है, जो कि भारत की कुल परमाणु ऊर्जा कुल ऊर्जा उत्पादन का 1.8% है। भारत में सबसे नवीनतम परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनवेली में कुंडनकुलम में डेवलप किया जा रहा है, जहां पे 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीति निर्माण कार्य हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ये 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954,
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954, और यहीं पर देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा मुंबई के ट्रांबे में स्थापित किया गया था। भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए की सहायता से 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। यह परमाणु विद्युत उत्पादन संयंत्र है। परमाणु विद्युत पूरे इसका डिपार्टमेंट को जो संभालता है वो संभालता है NPCIL। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, 1975 बोल दिया क्या, NPCIL का क्या बता दिया, हाँ 1 सितंबर 1987। भारत में कुल 8 विद्युत ग्रह हैं जिसमें से 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु रिएक्टर अभी वर्तमान समय में है वो आपका तमिलनाडु में कुंडनकुलम में है, और उसके लिए बड़ा बवाल हुआ था, बहुत बवाल हुआ था इसके लिए। लोग कह नहीं रहे थे कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यहां लगाओ, लेकिन लगाया गया वो। तो ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात याद रखिएगा, 1948 से शुरुआत होती है। परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट 1954 में बनता है, और जो 8 इस काम कर रहे हैं वो यहां पर है। इनका क्या याद आपको रखना है, सबसे पुराना आपने देखा तारापुर महाराष्ट्र का है, 1400 मेगावाट क्षमता आपको इसकी याद करनी पड़ेगी, सारा याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसा लोच लपोट नहीं है कि आपको याद ना करना पड़ेगा, आपको सब याद करना पड़ेगा। जैतपुरा वाला जो है वो अभी बना नहीं है, काकरापार बन रहा है, 440 मेगावाट बन चुका है वहां पे। नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कालपक्कम कांचीपुरम, ये पूरा का पूरा आपको लिस्ट एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहली मिसाइल अब्दुल कलाम ने बनाई क्या सर? नहीं, पहली मिसाइल कह सकते हैं, पहली मिसाइल टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम ने बनाई। ये NPCIL की साइट में मैं गया था तो चेयरमैन का पद मुझे खाली नजर आया। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्टर हैं श्री DS चौधरी और श्री AR सूले, ये डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। NPCIL में वर्तमान समय में शायद कोई चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि NPCIL की वेबसाइट पर आज ही मैंने डेटा निकाला है तो वहां पर कोई डायरेक्टर और चेयरमैन दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और खोज करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी कुंडनकुलम सबसे बड़ा है। केंद्र ने किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? मर्म चिकित्सा केंद्र का मतलब यह हो गया कि कभी कभी बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है। जैसे मेरे साथ अभी पिछले महीने जो घटनाएं घटी उस हिसाब से मैं ये समझ गया हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दुनिया के सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, दुनिया की सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं। आप अगर मन से नहीं हारे तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक रोज नाम की लड़की थी, उसको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम 6 दिन से ज्यादा नहीं जियोगी। वो लड़की अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते 6 महीने से ज्यादा कैंसर से लड़ती रही। मेरे को भी एक डॉक्टर ने बोला कि आप शायद जिंदगी में कभी भी इस आंख से उस तरीके से नहीं देख पाएंगे जैसे आप देखना चाहते हैं। मैं बड़ा निराश हो गया, मुझे लगा कि शायद मैं अपाहिज हो गया मात्र 35 साल की उम्र में, अब जिंदगी भर मुझे एक आंख से देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं मुझे एक दूसरे डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से क्योरेबल है। आपको अपनी बस शारीरिक दशा सुधारनी होगी, आपको अपना एक्सरसाइज करना होगा, अपने अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, आपको अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बनाना होगा कि आपके शरीर की एक एक नस में ऊर्जा से भर जाए। मैंने कहा ठीक, डॉक्टर साहब ने मुझसे बस ये कहा था कि तुम ठीक हो सकते हो। मैं आपको बताऊं कि दूसरे दिन से मेरा ठीक होना शुरू हो गया था, जो आंख मुझे लगती थी मैंने विश्वास कर लिया कि मैं ठीक होऊंगा और हो रहा हूं। तो फिलहाल मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र इसी पर आधारित है। यहां पर क्या किया जाएगा, लोगों को काउंसलिंग की जाएगी और आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी पद्धतियों से उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये आपका उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के बारे में हमने कल ही चर्चा की थी कि यहां पर एक अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। देश का पहला हर्बल गार्डन, सबसे ऊंचाई पर बनाया गया हर्बल गार्डन भी आपका उत्तराखंड में। इसके बाद देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक जिसे आदिम गार्डन भी कहा जाता है, ये भी आपका उत्तराखंड देहरादून में है। वंदना कटारिया को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था वीमेन पावर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। पहला स्टेट है जिसने अपने नागरिकों के ध्यान में रखते हुए भूकंप अलर्ट ऐप जारी किया IT रुड़की की सहायता से। 100% लिटरेसी वाला देहरादून जो है वो देश का पहला जिला है। भारत वाटिका हल्द्वानी में बनाई गई है। इसके अलावा वात्सल्य स्कीम जिसमें 3500 रुपया जो है ये उन लोगों को दे रहे हैं जो COVID-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे। एक कैपिटल सिटी की बात की जाए तो देहरादून और गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इसका नाम बदलकर कर दिया जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। और याद रखिएगा आसन कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो रामसर साइट है। आसन कंजर्वेशन रिजर्वेशन फॉरेस्ट जो है वो रामसर साइट है। अरब देश में रामसर साइटों की संख्या 47 हो गई है। आपको बताना है अभी हाल ही में 47वां रामसर साइट कौन बनाया गया। मैं आपको ये बता सकता हूँ वो उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के पास है। बस उसका नाम बता दो कि 47वां रामसर साइट कौन सा बनाया गया। हाँ जी, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी जी है।
ठीक है, बताइए बताइए फटाफट बताइए। देखिए पढ़ाने में मुझे मजा आता है अगर आप मन से पढ़ते हैं, और अगर आप मन से पढ़ते नहीं है तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। 100 प्लस वाचिंग पहुंचाइए, एकदम बहुत आवश्यक है ये, बताइए बताइए। एक कह रहे हैं आंख में काजल लगाया करो। महाकाल, हैदरपुर, हैदरपुर इज द राइट आंसर, वेरी वेरी गुड कुलदीप। बाकी का हम लोग कल पढ़ भी चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहे, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने मिश्रण के लिए एथेनॉल पे जीएसटी दर को 18% से गढ़कर 5% कर दिया। अब मामला यह है कि मिलाओ एथेनॉल जितना मिलाना है। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल पे क्या फर्क पड़ता है? एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल पर जो फर्क पड़ता है वो दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है, उन्होंने बताया कि एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल पे जो फर्क पड़ता है वो कुछ इस तरीके का है कि एथेनॉल मिलाने से, मैं कहां चला गया भाई, हाँ आ गया। एथेनॉल मिलाने से यह होता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका प्रभाव पड़ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक जो है वो काफी कम हो जाते हैं। एथेनॉल का फुल फॉर्म होता है C2H5OH, इसका फुल फॉर्म नहीं, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH। इसे आप एथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। ये आपका मेनली गन्ना से प्राप्त होता है, जेट्रोफा से प्राप्त होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे इसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में इसका उत्पादन उतना ज्यादा नहीं है। भारत का जो रोड मैप है वो ये कि किसी तरीके से 2023-24 तक हम अपने पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने लगे। अभी हमारी जो गाड़ियां हैं वो भी आपका E20 के कॉम्पेटिबल नहीं है, यानी कि अगर आप एथेनॉल वाला 20% वाला पेट्रोल डाल देंगे तो गाड़ी बोल जाएगी, गाड़ी काम नहीं करेगी ज्यादा देर। अभी E0 के लिए बना है, मतलब 0% एथेनॉल के लिए हमारा पेट्रोल बना हुआ है, तो उसको 20% तक लेकर के आना है। इसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनी को भी 2023 और 24 तक का टारगेट है 20%। अभी हम 8.5% जो है वो मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि जो क्रूड ऑयल पर हमारा दबाव है, जो हम पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, उसको कम किया जा सके। इसी पर सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि जो जीएसटी रेट 18% हुआ करता था उसको 5% कर दिया। अब इसमें सभी राज्य शामिल किए गए हैं, लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसमें शामिल नहीं किया गया है कि यहां पर जीएसटी रेट 18% ही रहेंगे। एथेनॉल जो है वो गन्ने से बनाया जाता है, और इसीलिए गन्ना मिले जो है वहां से एथेनॉल के उत्पादन को धीरे 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 करके बढ़ाया जा रहा है, और जब ये बढ़ जाएगा तो 2023-24 तक हम ये देख सकते हैं कि 20% तक एथेनॉल जो है वो अपने पेट्रोल में मिक्स करने लगेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल लॉन्च किया है? इनर लाइन परमिट क्या होता है? देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि आपका अभी हाल ही में मेघालय में भी शुरू हो गया इनर लाइन परमिट, नागालैंड हो गया आपका, मिजोरम हो गया, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में भी शायद लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में इनर लाइन परमिट लगता है। एक्चुअल में क्या है कि ये आदि जनजाति वाले क्षेत्र हैं, और इन्होंने भारत के साथ अपने विलयीकरण को मंजूरी इसी शर्त पे दी थी कि आप हमारी एथनिक यानी हमारी जो जनजातीय प्रथाएं हैं उनको आप सुरक्षित रखेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप बाहर के लोग आ गए यहाँ बसने लगे और सब सत्यानाश कर दिए। तो इनको अपनी जमीन से काफी प्यार था, इनको अपनी कल्चर से काफी प्यार था, तो इनको इनके लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप इन राज्यों का दौरा करना चाहें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम, तो आपको वहां पर 24 घंटे से अधिक अगर आपको बिताना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, एक तरह का राज्य वीजा आपको लेना पड़ेगा, ये यात्रा दस्तावेज होगा। इनर लाइन परमिट आप ले लेंगे, ये वहां पर आपको बसने का अधिकार नहीं देता, यानी आप वहां पर चाहें तो जमीन नहीं खरीद सकते, आप वहां चाहें तो कोई फैक्ट्री नहीं शुरू कर सकते, वहां के लोग ही वहां पर बसेंगे, वहां के लोग ही वहां पर ये सारी चीजें करेंगे। तो नागालैंड सरकार ने क्या किया है, नागालैंड सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत एक पोर्टल बना दिया है कि अब आप मान लीजिए वहां पर जाएं तो पहले क्या होता था, आप टोल पर पहुंचेंगे, टोल पर आपको पूरा बकायदा दस्तावेजीकरण करना पड़ेगा, कहां जाना है, किससे मिलना है, वो आदमी से बात होगी, फिर वो आपको इनर लाइन परमिट जारी करेंगे। अब आप इन चीजों को ऑनलाइन ही कर सकते हैं, तो ऐसा करने वाला नागालैंड पहला राज्य है। अभी हाल ही में मेघालय में भी इनर लाइन परमिट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो नागालैंड के जो वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रिफो, और गवर्नर असम के ही गवर्नर जगदीश मुखी यहां पर अभी कार्यभार संभाल रहे हैं। हाल ही में निम्न में से किसे लंदन के विंडसर कैसल में, लंदन के विंडसर कैसल, ये राजा का महल है, वहां पे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। तो ये हैं आपके लुईस हैमिल्टन, लुईस हैमिल्टन को ये उपाधि प्रदान की गई है। लुईस हैमिल्टन देश के पहले ऐसे मोटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, और उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। इससे पहले भी 3 अन्य F1 ड्राइवरों को मिला है, एक थे जैक ब्रबम, एक है स्टर्लिंग मास और एक है जैकी स्टीवर्ट। जैक ब्रबम, स्टर्लिंग मास और जैकी स्टीवर्ट, तो ये इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई बाद में।
आपको याद होगा नाइटहुड की उपाधि हमारे भारतीयों को भी दिया करते थे और वो अपने नाम के आगे सर लगा लिया करते थे। तो लुईस हैमिल्टन को एक नया खिताब हासिल मिल गया है, 7 बार के फॉर्मूला वन चैंपियन और 107 से अधिक फॉर्मूला वन चैंपियन रेस जीतने वाले लुईस हैमिल्टन लंदन के मर्सिडीज के ड्राइवर है और अभी हाल फिलहाल उन्हें एक फॉर्मूला वन चैंपियन का विंडसर कैसल के अंतर्गत नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड की उपाधि राजशाही, ब्रिटेन राजशाही द्वारा दी जाने वाली उपाधि है जिसके बाद सर की उपाधि प्राप्त हो जाती है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन वर्त अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को 16 दिसंबर 2021 को द इंडस एंटरप्रेन्योर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और ये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं। इसके अलावा टेक स्टार को बेस्ट ग्लोबल एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप एंड MIT को ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रमोटिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में जो अवार्ड दिए गए उनमें रामानुजम प्राइज जो दिया गया था वो नीना गुप्ता जी को दिया गया था, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया नील मणि फूकन असमिया भाषा के लिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर गोल्ड मेडल बिहार को मिला, वीमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा अंजू बाबी जॉन, डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड वी प्रवीण राव, इंदिरा गांधी पीस प्राइज यानी शांति पुरस्कार प्रथम नाम की संस्था रुक्मणी बनर्जी ईरान प्राइज भी मिला उनको, टाटा लिटरेचर अवार्ड लाइफ टाइम अनीता देसाई, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रकाश पादुकोण। सारे याद रखो आप, इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड हेमा मालिनी को, प्रसून जोशी को, बसव श्री सम्मान पुनीत आर राजकुमार को, बुकर प्राइज डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड TVS मोटर्स को, पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड सिसी डगर एम्बंगा जिम्बाब्वे की हैं, अर्थ हीरोज अवार्ड परामबिकुलम टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सखारेव प्राइज एलेक्सी नवलिनी और इको ऑस्कर टकाचार के विद्युत मोहन। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया? खेलो इंडिया हॉकी लीग का उद्घाटन हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग के विजेता को 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा। पहले चरण के लीग में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। अभी हाल ही में FIH जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, कहां पर हुआ था? जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, ये कहां पर हुआ था? ओडिशा में हुआ, ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में। क्या आप बता सकते हैं ये कप किसने जीता? ये कप जीता था अर्जेंटीना ने, दूसरी बार ये कप जीता, 6 बार के चैंपियन जर्मनी को हराकर उन्होंने ये कप जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इन्हें नेशनल गेम्स के नाम से भी जाना जाता था और ये अभी हाल ही में शुरू किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो यूनिवर्सिटी से नीचे वाले खिलाड़ी होते हैं उनको खिलाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण था वो 2018 में न्यू दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। दूसरा संस्करण 2019 में आपका पुणे में आयोजित हुआ, तीसरा संस्करण 2020 में आपका आसाम गुवाहाटी में आयोजित हुआ था और चौथा संस्करण इसका 2022 में जो होगा, मतलब 21 में तो नहीं हुआ, तो 2022 में जो इसका संस्करण होगा, मतलब 2021 वाले जो होंगे वो 2022 में खेले जाएंगे हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में प्रस्तावित है। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, ये अब दूसरे संस्करण में जा रहे हैं। इनका पहला संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। पहला संस्करण कहां हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दूसरा संस्करण आपका कर्नाटक में होगा। दूसरा संस्करण कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। खेलो इंडिया के जो मस्कट होते हैं वो होते हैं जय और विजय। खेलो इंडिया के जो मस्कट होते हैं, मस्कट यानी कि शुभंकर होते हैं, वो जय और विजय होते हैं। अभी हाल ही में योगासन को खेलो इंडिया में शामिल किया गया है, योगासन को खेलो इंडिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा मलखंब को भी खेलो इंडिया में शामिल किया गया। मलखंब जो है ये MP का खेल है, ये मलखंब का मतलब एक खंबा होता है उसके ऊपर चलते हैं, और थांगता जो है ये एक मणिपुर का मार्शल आर्ट है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। गतका जो है ये पंजाब का एक खेल है, इसमें तलवारबाजी वगैरह होती है, इसको भी अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा। सेकंड कर्नाटक में होगा, ठीक है। चलो तो फिलहाल आप बारी है आज के वन लाइनर की। वन लाइनर जरूर देख के जाया करें, कुछ लोग देखता हूं कि वन लाइनर के टाइम भाग जाते हैं। पूरा यही तो सार है भाई, अगर आप किसी चीज को पकड़े हैं और उसको पूरा अंत तक खत्म नहीं किए तो बेकार है। तो किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? नगदक पेलगी खोरलो, भूटान।
टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? सिमोना बाइल्स। देखो इनकी कहानी सुनाई तो कहानी याद रहेगी और कहानी याद रहेगी तो नाम याद रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने करने को मंजूरी दे दी है? तो उन्होंने 21 करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग में 1650 मेगावाट के 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दिया है? फ्रांस। केंद्र ने किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड। सरकार ने मिश्रण के लिए एथेनॉल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 5%। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल को पोर्टल लॉन्च किया है? वो है नागालैंड। हाल ही में निम्न में से किसे लंदन के विंडसर कैंसिल में नाइटहेड की उपाधि से सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन। और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिगड़ा को। अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा और आज आपने सभी ने बड़ा अच्छे से मेरा साथ दिया। ठीक है, हाँ जी बताइए बताइए। योग मलखंब एमपी गतका पंजाब मणिपुर ठानसा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो चलो कहानी क्या थी, निकल गई कहानी तुम्हारी, है ना? कोई बात नहीं पवन, बढ़िया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। शाम को 9 बजे मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में और कल एक वीडियो आने वाला है कि 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र के बीच अगर कोई लड़की शादी करती है, कोई लड़का शादी करता है तो उसका क्या होगा। और एक वीडियो और आने वाला है सीईटी को लेकर के, तो कल वाले सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। एक आएगा 12 बजे, एक आएगा 2 बजे। थंबनेल अभी लग जाएगा, पीडीएफ आपको रीनी बाय राहुल मिश्रा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उधर मिल जाएगी। खत्म, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।